मुरादाबाद के जामा मस्जिद और रामपुर दुराहे को जोड़ने वाले ताजपुर रोड में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। सड़कों पर वाहन बेलगाम दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद के जामा मस्जिद फ्लाईओवर से लेकर रामपुर दुराहे तक जाने वाले रास्ते पर स्पीड ब्रेकर न होने के चलते वाहनों की गति अधिक होती है, जिसके चलते तेज रफ्तार वाहन आपस में टकरा जाते हैं और सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं राहगीर भूरे ने बताया कि सड़क पर किसी भी तरह के स्पीड ब्रेकर न होने के चलते और सड़क छोटी न होने के चलते आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यहां पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, ताकि तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहनों पर लगाम लग पाए और रफ्तार धीमी हो जाए, जिससे हादसों में कमी होगी। वहीं उन्होंने बताया कि अब तक इस रास्ते पर 40 से 50 लोगों के साथ सड़क हादसे हो चुके हैं। भूरे ने बताया कि अभी कल परसों भी एक हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद वे बुरी तरीके से घायल हो गया था। जी सर, यहाँ पे आजकल हादसे बहुत हो रहा है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का सिर फट जाता है, किसी का भेजा बाहर आ जाता है, उनसे हम बड़े परेशान हैं। ये प्रशासन और ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पर रोकथाम होनी चाहिए कि एक्सीडेंट कैसे कम हो जाए, कैसे इसको कंट्रोल में लाया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। ओवर एक तो ओवरलोड गाड़ी चलाते हैं, स्पीड से स्पीड गाड़ी चलाते हैं, ऐसा लगता है कि दिल दहल जाए। मरीज लोग अगर निकल के जाए, अस्पताल भी यहाँ पर काफ़ी बन चुके हैं, अस्पताल हैं यहाँ पर, मरीज लोग भी अगर चल जाए तो एकदम स्पीड से गाड़ी निकालती हैं। नए नए जवान युवा पीढ़ी जो है बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाती है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से और अपनी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पर ओवर ब्रेक बन जाए, स्पीड ब्रेकर बन जाए और थोड़ा कंट्रोल में इसको मतलब लाया जाए, कैसे लाया जाए इसके बारे में निर्णय सोचना चाहिए। जैसे कितना चौड़ाई कितनी होगी इस रोड की, यहाँ से ट्रक बस सभी गुजरती है उसके साथ? जी जी जी, ये बस का रोड नगर मतलब बना नहीं है, 20 फुटा रोड है वैसे तो, ये छोटा रोड है, अभी छोटा रोड बना रखा है, इसको बस आती है तो फंस जाती है। तो बाइक कितनी तेजी से निकलती है? बाइक की 80 स्पीड तक पार कर देते हैं युवा पीढ़ी, बहुत खतरनाक, और उल्टी सीधी चलाते हैं, बिल्कुल स्टंट करते हैं, इससे खतरनाक स्टंट होते हैं। कितना हादसे हो चुके होंगे अब तक यहाँ पे? कम से कम मैं समझता हूँ 40-50 हादसे हो चुके हैं। अच्छा, ठंड आ रहा है और कोहरा भी आ रहा है, और ठंड आ रही है, कोहरा आ रहा है, इसको देखते हुए आपको कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। हम प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ तो सोचे और कुछ करना चाहिए। वहीं जब हमने दूसरे राहगीर फिरोज से बात की तो उन्होंने भी बताया कि यहां आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, क्योंकि यहां से गुजरने वाले वाहनों की गति अधिक होती है, जिसके चलते सामने से आ रही या पैदल चलने वाले लोगों को तेज रफ्तार वाहन टक्कर मार देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्पीड ब्रेकर यहाँ बन जाए तो हादसों में कमी आ सकती है। इस रोड पे जो हादसे कुछ ज्यादा ही है, इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि इस रोड को जो है थोड़ा चौड़ा करा जाए और यहाँ थोड़ी फैसिलिटी दी जाए, ब्रेकर लगाए जाए, ताकि जो है हादसे जो कम हो। इसमें जो है लोग जो है ना कुछ ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा रोड है और रोड ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है और इसमें ट्रैफिक रहता है अच्छा खासा, तो उसके कारण जो है इसमें हादसे ज़्यादा ही होते हैं। कौन सा रोड है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? ये जामा मस्जिद पे से चालू होता है और आपका जो है रामपुर दौरा तक खत्म ओवर होता है। बिल्कुल इस रोड पर बहुत तेज़ी से गाड़ी गुजरती है। जी जी, सबसे ज़्यादा इस रोड पर जो है स्टंट वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, दाएं बाएं से लड़के आते हैं, इधर जो है स्टंट करते हैं। कितने हादसे हो गए लगभग इसमें? लगभग है ना 40-50 लगभग हादसे हो चुके हैं इसमें। तो लोग जा चुके हैं? जी जी जी, खत्म भी हो चुके हैं, बहुत बहुत खतरनाक हादसे हो चुके हैं। सरकार और जी प्रशासन जी सब प्रशासन से यही मांग रहेगी, इसकी जो है ज्यादा सपोर्ट दें ना और ये रोड जो है थोड़ा और चौड़ा कराएं और इसमें जो ब्रेकर वगैरह लगे, स्पीड ब्रेकर जो जी स्पीड ब्रेकर लगेंगे तो इसमें जो है इंसान जो है थोड़ा मीडियम गाड़ी चलाएगा, गाड़ी रुकेगी वहाँ पर, जी गति हो जाएगी। जी जी जी, अब देखना ही होगा कि खबर चलने के बाद क्या जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नहीं, या फिर इसी तरह से सड़क हादसे होते रहेंगे और लोगों की जान जाती रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा।